जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं सुपर क्रिकेट। तो टाटा आईपीएल 2024 से पहले चेन्नई सुपर किंग के लिए तीन बेहतरीन खबरें निकल के आ रही है। बता दें कि आईपीएल 2023 के चैंपियन बनने के बाद ही कप्तान एमएस धोनी जो कि मुंबई चले गए जहां पर अपने घुटने का सर्जरी करवाए हैं, और बता दें कि अब बेहतरीन खबर निकल के आ रहा है कि उनका ऑपरेशन हुआ बेहद ही सफल है और मात्र 2 महीने में ही फिर से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी एमएस धोनी वैसे भी प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं, लगभग 24 के जनवरी माह से ही प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। इस तरह से कंफर्म हो चुका है कि एमएस धोनी आईपीएल 24 खेलते हुए नजर आएंगे बतौर कप्तान चेन्नई सुपर किंग के लिए। वहीं बात करें दूसरी बड़ी खबर का, तो दोस्तों यह जुड़ा हुआ है ऋतुराज गायकवाड़ से। बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ जो कि चेन्नई सुपर किंग एक शानदार ओपनर बल्लेबाज है और वह अभी जो कि शादी कर चुके हैं। बता दें कि अपने साथी क्रिकेटर से ही शादी की है और यह शादी जो कि मुंबई में हुआ है। बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ जो कि एक महाराष्ट्र के खिलाड़ी है। तो वहीं तीसरी बड़ी खबर का बात करें दोस्तों, यह जुड़ा हुआ है मिचेल स्टार्क से। बता दें कि मिचेल स्टार्क जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं, कई वर्षों से वह लगातार आईपीएल में नहीं खेल रहे हैं। इसका वजह तो शायद वही जानते हैं, लेकिन शायद वह अब मन बना चुके हैं कि फिर से वह अपना नाम आईपीएल में देंगे। खबरों का माने तो दोस्तों आईपीएल 2024 के लिए मिनी ऑक्शन में वह अपना नाम देने वाले हैं। ऐसे में इनके पीछे कई बड़ी टीमें जाने वाली है, लेकिन जो सबसे बड़ी टीम है वह है चेन्नई सुपर किंग। या दोस्तों चेन्नई सुपर किंग पूरा मन बना चुकी है कि मिचेल स्टार्क को टारगेट करना है मिनी ऑक्शन में, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग को एक बेहतरीन तेज गेंदबाज को बेहद ही ज़्यादा जरूरी है, स्पेशली जो विदेशी तेज गेंदबाज हो। तो ऐसे में और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी चेन्नई सुपर किंग आईपीएल 2024 में, जो कि अपना खिताब डिफेंड कर सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मिचेल स्टार्क शामिल होंगे चेन्नई सुपर किंग में, तो कहर भर पाएंगे सामने वाली टीम पर या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों यह खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।